अब हम लोग निकल रहे हैं भोपाल से नासिक की तरफ और काफी मजा है सफर में। चलो देख, आज कैमरा मेरे हाथ में, कैसा लग रहा है जाने के लिए? बस अभी जा रहे हैं, तो आज हमारा है बैक टू बेस। तो मैं आपको बता दूंगी, आज कैमरा मेरे पास है तो आप मेरे साथ ज्यादा रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि आज देर ही लंच कर लूं, बाद में जाऊंगी नासिक। ये आगे भाई अपना मंचूरियन ड्राई। बर्गर ये रहा ना, देखो अभी भी बर्गर के बारे में पूछा कि दी बर्गर कहाँ है, वहाँ से लेकर भी आया है, खा के आधा बर्गर लेकर भी आया है। उन्होंने बोला कि सर जो आप खा चुके हैं उसका पार्सल नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको इतना टेस्टी लगा कि लेकर आया। आज चौथा दिन है और मुझे कह रहा था कि आज मेरा चलाने का मन नहीं है, ड्राइव करने का मन नहीं है। पापा का फोन आया था, पापा ने कहा था सुबह सुबह 6 बजे निकल जाना, नहीं 11 बजे तक। और मेरे को, मैंने बोला भाई मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मुझे तो जाना है। पुलिस वालों ने पकड़ लिया भैया। गलती भाई ये थी, इसके ऊपर मैंने ना धूप से बचने के लिए 30% की फिल्म लगा रखी है, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है इतना ब्लैक नहीं है जितना आप लोग देख पा रहे हो, बाहर दिख रहा है ना, मतलब टोटल जेड ब्लैक जो होता है, लेकिन मुझे पता नहीं शायद 20% 30% अलाउ है, जेड ब्लैक नहीं है, टोटल ब्लैक की भाई ऐसे करके देखोगे तो भी गाड़ी के अंदर दिखेगा नहीं। तो हमारा भोपाल से इंदौर का सफर तय हो चुका है और अब हम सोच रहे हैं इंदौर में आके के थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। क्या हुआ गाड़ी में? हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं और फिर कंटिन्यू हम लोग अपनी जर्नी रखेंगे नासिक तक, क्योंकि हमें वैसे भी रात के 12 बजेंगे तो ये जर्नी हमारी कंटिन्यू रहेगी। गूगल मैप तो 12 ही बता रहा है, वैसे कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी एज नहीं बताया करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी और मेरी एज के बीच में कितना गैप है ये तो कुछ बता दे। बहुत ज्यादा है बट मैं नहीं बताऊंगी, लड़कियां कभी अपनी एज नहीं बताती। नहीं एज मत बताना, लेकिन तुम मुझसे कितनी बड़ी है तो बता दे, लोगों को पता चल जाए, नहीं तो लोग इसको मेरी छोटी बहन समझेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं इसे 7 साल बड़ी हूँ। कल भाई रात को डीबी मॉल में एक पब लिखा हुआ था, रेस्टोरेंट लिखा हुआ था, लेकिन वो था हाई फाई टाइप, मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना, पूरा डार्क एरिया था। कल की वीडियो जिसने नहीं देखी वो लोग देख सकते हैं। काउंटर पे बंदे ने हम दोनों के आईडी प्रूफ लिए के बाद बोलता है 18 से तो ऊपर है ना। अरे मैंने बोला 18 से ऊपर, मेरे से 7 साल बड़ी है, और उसको ये बात मजाक लगी। बचपन में ऐसा लगता था जब लोग बोलते थे कि सबसे बड़ी दौलत ये शरीर है, वो इतनी सारी दिक्कतें आने लग गई ना इस शरीर के अंदर, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं भाई, मैं बता भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी समस्या आ रही हैं बिकॉज ऑफ माई डेली राइड ड्राइव ट्रैवल, अंधाधुंध ट्रैवल। मतलब अभी मैं नासिक जा रहा हूँ, कल सुबह 3 बजे की मेरा एक और प्लान है मेरे दोस्त के साथ मुंबई के लिए, 1 डे रिटर्न, रात को 2-3 बजे रिटर्न होंगे। सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, यही सब चल रहा है। तो आज जब दिक्कत आ रही है तब मुझे पता चल रहा है कि माँ बाप और बड़े महापुरुष कहा करते थे कि सबसे बड़ा धन है आपका शरीर, आज पता चल रहा है। टीन एज में नहीं पता चलता है, कह कह के थक जाते हैं लोग माँ बाप, लेकिन नहीं सुनते हैं बच्चे। कंटिन्यू योर व्लॉग, कंटिन्यू। आज ये ब्लॉग करेगी, मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इतना होता हूँ कि मैं बोल पड़ता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा तू कर। नहीं नहीं नहीं, ये ब्लॉग मेरा नहीं, ब्लॉग मेरा नहीं है एक्चुअली, मैं इसी के लिए कर रही हूँ ताकि ये बोले और आप लोग के सामने रहे। अभी थोड़ा सा थक गया और बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा आज, पर मैंने बोला तू कर सकता है। लेकिन कभी कभी चलता भी है ना ट्रैवलिंग के समय पे, इतना तो कर सकते हैं, नहीं पीना चाहिए हेल्थ के लिए, राइट के लिए। तो मुझे लगता है जाके फ्रिज में रख देती हूँ, कलर में काफी अच्छा है, पीने में अच्छा है। तो यहाँ पे व्लॉगिंग के चक्कर में हमारे भैया भी रुक गए, ये देखिए। तो देखो ऐसा होता है,
अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो लोग आपको रुक रुक के देखेंगे। रात के बज रहे हैं 8, महाराष्ट्र के अंदर एंट्री तो हो चुकी है और अभी यहाँ से धूले कितना रह गया भाई? बहुत अच्छी लग रही है मुझे, ये कैमरे क्या लग गए महाराष्ट्र में? लग गए खाली ऐसा, मेरे को MP में दिखाई नहीं दिया किधर। अजी ऐसा पूरा कैमरा लगा दिया, ये देखिए हर जगह पेट्रोल पंप के आगे, मतलब पूरी निगरानी नजर रहेगी इसके ऊपर। क्या होता है ना भाई, होता है वाइपर का काम है ना, ये पानी फेंक के मारना पड़ता है मेरे को बहुत बार। वाइपर ऑन कर देने के, पानी बोतल रही तो मार देने का पानी, क्योंकि रात के समय में ना बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए हाईवे पे, खासकर नहीं दिखते छोटे मोटे गड्ढे, दिखते ही नहीं है हाईवे पे। ये हिम्मत रखने की, यस 5 घंटे लगेंगे पहुंचने में, है ना? 5 घंटे 5 घंटे लगे। कितने घंटे की दूरी पे है? 113 किलोमीटर नासिक। अरे बाप रे यार, 113 किलोमीटर सच में अभी से ऐसे लग रहा है बहुत हो गया, अभी नहीं हो पा रही और ट्रैवलिंग मुझसे तो नहीं हो पा रही है। दोपहर को 12 बजे चले थे और अभी रात के 9 बज गए हैं, कंटिन्यू हमने ट्रैवलिंग की है। बस कहीं कहीं आपने देखा होगा तो 5 मिनट का 2 बस स्टॉपेज लिया है बस, नहीं तो 4 दिन में ये हालत है। पर तू बोलता है कि वहां से मंगा रहा हूँ, बट है तो वो बाहर का ही खाना, घर का खाना तो रियली बहुत मिस कर रही हूँ, तो कैसे कर लेता है बाहर? मेरे तो अभी तबीयत खराब होने लगी बाहर का खाना खा खा के। बुआ का है नाना, पापा? कौन? बुआ तो घर गई। बुआ को बहुत भूख लग रही थी ना, वो घर गई। आपने खाना खाया? हाँ। क्या खाया? आप कहाँ गए थे? भोपाल। मम्मा कहाँ गई? मम्मा गई घर। हाँ। आदि आप कहाँ थे? हाँ। और आपने ABCD पढ़ाई की? हाँ। लादे लादे